हैं, तमाम दिव्य आँखों सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बाद सलाम नौ लाख मुबारकबाद के मुस्तहिक अंजुमन अल हसन फरोग नाथ कमेटी तिलवन शरीफ मिन जुमला जितने भी मियाँ साहबान नौजवान आने अहल सुन्नत ने मिलकर अजीम उशान फ़कीदुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एहतमाम किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस कोशिश और काविश को अपने और अपने हबीब की बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। मुझसे कबल बरादर तरीकत बरादर इस्लाम आप नकाबत के फ़रज़ सर अंजाम दे रहे थे और मुझसे कबल जिस नाथ खान को आपने बुलाया उससे कबल आपने जुमले पढ़े पीर से नसीरुद्दीन नसीर अहमद चलना की और मुझे एक रास्ता और इलम के हवाले से भी बता दिया कि आपने यहाँ से आगाज़ करना है। तो मैं यहीं से आगाज़ कर देता हूँ नौकरी का कि पीर से नसीरुद्दीन नसीर अहमद लिखते हैं कि उम्मीद करम सैयद कौनैन से है, कि उम्मीद करम सैयद कौनैन से है, वाबस्ता अकीदत मेरी शेख ऐन से है। तब किबला पीर साहब ने सैयदना सिद्दीक अकबर सैयदना उमर फारूक का हवाला लिखना चाहा और अवाम अहले सुन्नत को बताना चाहा तो इस तरीके से लिख दिया कि अल्लामा समद साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए कि उम्मीद करम सैयद कौन ऐन से है, कि वाबस्ता अकीदत मेरी शेख ऐन से है, उस्मान का खादिम हो और अली का शहदा, निस्बत मेरी हसनैन करीमैन से है। उस्मान का खादिम हूँ, अली का शहदा, निस्बत मेरी हसनैन करीमैन से है। और मियां गुलाम अहमद साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए दूसरी जगह पर किबला पीर साहब लिखते हैं कि झुकती है सब की जमीन ने, झुकती है सब की जमीन ने तो हरम में कुछ है, कि झुकती है सब की जमीन ने तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, ने तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, हम पे यूं ही बिना वजह लोग नहीं मरा करते नजीर, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है, हम पे यूं ही बिना वजह लोग नहीं मरा करते नजीर, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है, तमाम हम उस खाले के अजल के लिए सुकून फिर को देता है जो कमल के लिए, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन के जिसके नाम फरिश्तों ने भी सफल के लिए दुरूद सलाम उस आका की बारगाह में जिससे के आका की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करते हैं कि यकीन जो जो जिस जिस में सैयद आलम की मोहब्बत माँ के मुकद्दस दूध की तरह खून में हल होकर जिस्म में गर्दिश कर रही हो, वो दोस्त आदत समझ कर नहीं बल्कि इबादत समझ कर, कर्ज समझ कर नहीं बल्कि फर्ज समझ कर, एहसान समझ कर नहीं बल्कि ईमान समझ कर मेरे आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफा नशाबर कीजिएगा। यकीन काबिल ये होना चाहिए कि हमारा पढ़ा हुआ दुरूद पाक हमारे प्यारे आका सैयद आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद अपने कानों मुबारक से समाप्त भी फरमा रहे हैं और पढ़ने वाले हर गुलाम को अपनी निगाहें रहमत से पहचान भी रहे हैं। तो बा आवाज बुलंद पढ़िएगा, ये मस्जिद की दरो दीवार गवाह हो जाए कि अहलियान चेलेवन शरीफ को शकाल मुस्तफ़ा ने इस हकीकत और मोहब्बत से दूर पाक पढ़ा है। मैं तो यूँ कहता हूँ जो दोस्त ये समझते हो कि हम फिक्र खुदा में बैठे हैं जिक्र मुस्तफ़ा में बैठते हैं, मैं तो मुबारकबाद पेश करते हुए आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ आप जिक्र खुदा में भी बैठे हैं, जिक्र मुस्तफ़ा में भी बैठे हैं और बैक वक्त निकाह है मुस्तफ़ा में भी बैठे हैं। तो बाबाज कल पढ़िएगा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, तादाद ज्यादा है आवाज बहुत कम है, बाबाज कल पढ़िएगा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मियां साहब कुछ दोस्त ने बाबाज कल पढ़ा है और कुछ ने दिल ही दिल में पढ़ा है, शेर लिखता है कि बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, कि बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, नाम लेकर तेरा आका हम महफिल को सजा लेते हैं, ये लफ्ज जब अश्कों से वुजू करते हैं, आका तेरी हम नात बना लेते हैं, रूठ जाता है जब हम गुनाहगार
पढ़ते हैं अल्लाह को मना लेते हैं, रूठ जाता है जब हम गुनाहगारों से अल्लाह, तो रूठ पढ़ते हैं अल्लाह को मना लेते हैं। बाबा से बुलंद पढ़िएगा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हजरत ग्रामी अभी भी कुछ अहबाब ने बाबा से बुलंद पढ़ा है, कुछ ने तिथि दिन में पढ़ता है, शायद दिखता है कि बागे बहिष्ट में दिखा है, कि बागे बहिष्ट में दिखा है, ये फूल फूल पर कि जन्नत गवा न देना, एक नासी फूल पर मोमिन तो क्या वो शख्स मुसलमान ही नहीं। भेजता नहीं दरूजो मेरे प्यारे रसूल पर, भेजता नहीं दरूजो मेरे प्यारे रसूल पर। तो हजरत का में मुझे तिलावत कलाम पाक के लिए सदा देनी है। मियां साहिबान ने अहलिया ने जेलवन शरीफ के तमाम गयू नौजवान ने रसूलत ने एहतमाम किया है, मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। आपने जो साका का जश्न किया है, जो पत्थरों पर निगाह पर डाले तो पत्थर पर पड़ने लगते हैं, हमारा नबी तो वो नबी है कि पैदाइश के वक्त इसका नूर चमके तो शाम तक के महलात रोशन हो जाते हैं, हमारा नबी तो वो नबी है कि हजरत इब्राहिम जो सिद्रतुल मुंतहा से गुजरे जिसकी एक झलक देखने को फरिश्ते चर्चा करते हैं। मुझे हजरत अलामा कबला कारी फखरुल कुरान नजमुल कुरान कारी वजीर अहमद दोगन साहब को सदा देनी है इन जुमलों के साथ। मियां साहब कि हमको जो हजूर की विधात का शौक है, कि हमको जो हजूर की विधात का शौक है, कि दुनिया में बागबानी है जन्नत का शौक है, कि जिक्र नबी से रूह की तत्हीर भी करे जिनको फकत बदन की तहारत का शौक है, और काबा को जाने वाले काबा को जाने वाले काबा को जाने वाले तुझे ये खबर ही नहीं काबा को खुद नबी की जियारत का शौक है, काबा को जाने वाले काबा को जाने वाले तुझे ये खबर ही नहीं कि काबा को खुद नबी की जियारत का शौक है। और वही ये खुदा तो बस सिर्फ वसीला है या नबी के रूह अमी को भी आपकी खिदमत का शौक है, और चेहराए मुस्तफा से हटाता नहीं नजर को अली को क्या हसी तिलावत का शौक है, चेहराए मुस्तफा से हटाता नहीं नजर को अली को क्या हसी तिलावत का शौक है। तो आइए फखरुल कुरान नजमुल कुरान मोहतरम नामकारी वजीर अहमद बगन साहब तशरीफ लाते हैं लोगों के सरजमीन से अपने मखसूस और जिन नशी अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नारे और बेहद के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद की तिलावत की सआदत हासिल करते हैं।